हेलो एवरीवन वंस अगैन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ ज्योति आज का वीडियो एक ह्यूज हॉल होने वाला है फ्रॉम मिंत्रा बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के एंड डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के ये सारे कुर्ता मुझे रिसीव हुए हैं मिंत्रा से सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टूडेज़ हॉल क्योंकि ये बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट होने वाला है क्योंकि समर आ रही है एंड ऑफिस कॉलेज के लिए आपको न्यू न्यू ड्रेसेस चाहिए होंगे एंड अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए तो क्या ही कहना है so, सो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड उसके साथ मैं शेयर कर रही हूँ मामा आर्ट के दो प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन एंड रिव्यू क्योंकि समर्स आ रहे हैं एंड डलनेस हो जाती है स्किन पे तो आपको डेफिनेटली मॉइस्चर्ड एंड लाइक पिंक ग्लो अपने फेस पे किसी नहीं पसंद है तो उस टाइप की स्किन चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली यूज यूज दी डेफिनेटलीज टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम ममा अर्थ द फर्स्ट वन इज ममा अर्थ बीट रूट जेंटल फेस वॉश इसमें बीट रूट एंड हाइलोरॉनिक एसिड मिलता है एंड सेकेंड वन इज ममा अर्थ बीट रूट हाइड्राफुल मॉइस्चराइजर इसमें आपको बीट रूट एंड हाइलोरॉनिक एसिड मिलता है फॉर हाइड्रेटेड एंड पिंक ग्लो यू कैन डेफिनेटली यूज दीज टू प्रोडक्ट्स और क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा ममा आर्ट के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल इनग्रीडियंट के बने होते हैं कोई भी हार्मुल केमिकल इसमें यूज नहीं होता है सो so, कोई रिस्क नहीं है इजिली आप यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं एंड इंडियन ब्रांड है गाइस सो यू कैन डेफिनेटली सपोर्ट देम एंड अभी पहले सबसे पहले इन दोनों का एप्लीकेशन एंड रिव्यू शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ उसके बाद आराम से इतमान से बैठ के पूरी डिटेल शेयर करेंगे सो so, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ममााअर्थ बीटरूट जेंटल फेस वॉश का एप्लीकेशन पहले तो इसका कलर भी बहुत अच्छा था पिंक ग्लो के लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है नॉर्मली जैसे आप फेस वॉश अपना करते हैं उसी तरीके से आपको फेस वॉश करना है इसमें बीटरूट एंड हैलोर मिलता है। फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद मामा अर्थ बीटरूट हाइड्राफुल मॉइस्चराइजर से अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए इससे हाइड्रेटेड स्किन भी मिल जाएगी एंड पिंक ग्लो भी सो so गाइज़ अगर आप भी चाहते हैं पिंक पिंक ग्लो पाना इस समर सीजन और इस विंटर अभी तो विंटर ही है सो so डेफिनेटली आप ये दोनों प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं ममा आर्ट से ममा आर्ट के सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे लाइक एमेज़ॉन फ्लिपकार्ट नाइक आपोपल उनकी ख़ुद की वेबसाइट और उनकी ऐप पर भी अभी रिसेंटली ममाअर्ट ने अपनी ऐप भी लॉन्च की है ईजी एक्सेस के लिए या लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर के को ग्राप करने के लिए आप उनकी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं ईजी एक्सेस मिल जाएगा आपको उससे एंड अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हैं एक अच्छे डिस्काउंट पे सो यू कैन डेफिनेटली यूज माय कूपन कोड विच इज ट्रेंड्स 2024 सो आपको 20 परसेंट इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा आपकी परचेज पे बट ये कूपन कोड उनकी ऐप या उनकी वेबसाइट पर ही एप्लीकेबल है सो so वहां पर जाकर के कुछ भी बाय करते टाइम ये कूपन कोड विच इज ट्रेंड्स ट्वेंटी अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड नियर बाई स्टोर्स भी हैं ममा अर्थ के काफी जगह पर ओपन हो चुके हैं अगर आपको आपकी सिटी में भी मिला हो कहीं तो बताइएगा मुझे काफी जगह दिख चुका है एंड बाय द एंड ऑफ 2025 अर्थ वन मिलियन प्लांट प्लांट कर चुका होगा आप आप लोगों की हेल्प से सो so, लोग लोग बहुत सपोर्ट सपोर्ट कर कर सकते हैं। और support कर सकते हैं हैं और काफ़ी बाय करते हैं और भी और लोग अगर आपने ट्राई नहीं किया हो तो बाय कर लीजिएगा क्योंकि जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं ममा अर्थ से वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देता है वेबसाइट से देन उस प्लांट से जो वो आपके बिहार करते हैं लाइक like, आप इधर कुछ ऑर्डर कर रहे हो एंड उधर कुछ प्लांट हो रहा है सो so, हमारा इन्वायरमेंट वैसे ग्रीन हो जाएगा हेल्दी हो जाएगा तो हमारी स्किन बॉडी Type, सब कुछ अच्छा हो जाएगा सो so, आप मामा ममाट को सपोर्ट कर सकते हो एंड मेरा कूपन कोड यूज़ किए बिना शॉपिंग मत कीजिएगा कूपन कोड एंड सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दी है तो वो आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा एंड कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं सो so गाइज़ अब स्टार्ट करते हैं क्लोदिंग सेक्शन मतलब जो ये अफोर्डेबल सी कुर्तीज़ मैंने बाय की थी मिंत्रा से उसका शेयर करते हैं आप लोगों के साथ रिव्यू सो so, सबसे पहले तो जो मैंने वेयर की है ये भी मैंने मिंत्रा से ही ली थी एंड गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है वेयर करने के लिए ए लाइन कुर्ती है वूवेन इसमें वर्क मिलता है एंड इसका कलर ना बहुत अच्छा ऑरेंज टाइप का है बट प्यारा वाला ऑरेंज है एंड इसमें वाइट कलर्स भी मिक्स हैं और जो भी प्रिंट है ना गाइज वो कपड़े के साथ का प्रिंट है तो ये रेगुलर वेयर के लिए ऑफिस कॉलेज के लिए बहुत अच्छी है वाइट कलर का कोई भी बॉटम वेयर इसमें पेयर कर सकते हैं आप ईजिली इसमें थ्री फोर्थ स्लीव मिलती है स्लीव के एंड में ना आपको थोड़ा सा परफ्ट uh, स्लीव मिलेगी एंड कम्फर्टेबल ये बहुत है फ्रंट में नेक पे आपको जो भी डिज़ाइन दिख रही है वो काफ़ी अच्छी है एंड बटन्स दिख रहे हैं ना जो कि फंक्शनल नहीं है बट लुक के लिए लगाए गए हैं तो शेयर ये नहीं है स्मॉल साइज में मैंने लिया था उस अकॉर्डिंग परफेक्ट है तो आप इसे भी देख सकते हैं एंड गाइज जो नेक्स्ट मैं आपके साथ इस हॉल में शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा कॉटन फैब्रिक का कुर्ता है इस तरीके से बांधनी प्रिंट पे ये है एंड मैंने स्मॉल साइज़ में बाय किया था इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड ये स्ट्रेट कुर्ता है एंड इसमें ऑल ओवर कुर्ता आपको बांधनी प्रिंट मिलता है जो कि कपड़े के साथ का ही प्रिंट है तो मतलब जितना भी वॉश करेंगे आप ये बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाला है इसमें वाइट कलर का बॉटम आप इजीली पेयर कर सकते हैं जीन्स हो प्लाजो हो पैंट लेगिंग्स so, वगैरह कुछ भी आप पेयर कर सकते हैं इसमें आपको एडिशनल स्लीव्स का कपड़ा नहीं मिलता है ये कट स्लीव पे आपको मिलता है एंड गाइज इसके जो नेक की डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छी लग रही थी नेक पे गोटा पट्टी का रोज़ गोल्ड कलर से गोटा पट्टी का इसमें वर्क किया गया है कॉटन फैब्रिक है तो समर्स में भी आप इजिली वेयर कर सकते हैं बहुत स्मार्ट सा पीस अगर आप चाहते हैं अफोर्डेबल प्राइस में सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस वन और मुझे बहुत अच्छा लगा आई थिंक इसके कलर ऑप्शन अवेलेबल थे वो भी आप चेक कर लीजिएगा और एक आध मतलब थे कलर्स देख लीजिएगा सो so, लिंक्स मैंने सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वो आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा एंड अगर आपको लाइक like कुछ एथनिक में चाहिए लाइक छोटे मोटे फंक्शन के लिए तो ये कुर्ता बहुत ही प्यारा होने वाला है पिंक कलर का ये है और मैंने ब्रांड अनुभूति से स्मॉल साइज़ में बाय किया था इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा कॉटन एंड रेन ब्लेंड है नेक पर आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही सुंदर सा जरी का एंड सिक्वन एंड फॉल्स मिरर का वर्क हुआ है तरीके का पूरा है शेयर नहीं है थ्री फोर्थ इसमें स्लीव मिलती है स्लीव्स के एंड में थोड़ा सा लाइक फोल्डेड स्लीव वाला पैटर्न दिया गया है बस ऐसे ही लगाया गया है एंड ये ए लाइन कुर्ता है इस तरीके से नीचे इतने फ्लेयर्स हैं जिसकी वजह से आप इजीली से वेयर कर सकते हैं आपका बॉडी टाइप कोई भी हो अगर पेयर शेप बॉडी है और वेस्ट एरिया से आपको ड्रेसेस लेने में मतलब फिटिंग में प्रॉब्लम होती है तो ऐसी ड्रेसेस आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं इसमें स्लिट नहीं मिलता है एंड जो प्रिंट है ना वो कपड़े के साथ का प्रिंट है आगे भी है पीछे भी है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड ये भी फिटिंग वाइज बहुत अच्छा था वाइट कलर के बॉटम वेयर के साथ मैंने इसे भी पहना है मगर मोस्टली पे व्हाइट ही चल जाता है तो इस वजह से आप देख लीजिएगा क्वालिटी वाइज एंड इसमें और लोगों की रेटिंग रिव्यूज़ भी हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं एंड गाइज जो नेक्स्ट पीस है उसके साथ एक छोटी सी ट्रेजिडी हुई थी वो इस तरीके का है थोड़ा सा बेच कलर का एंड इट्स फ्रॉम दी ब्रांड देसी मिक्स मैंने स्मॉल साइज़ में लिया है इसका जो फैब्रिक है शाइनी है काफ़ी अच्छा है और नेक पे आपको ज़री का एम्ब्रॉयडरी मिलती है पैच लगाया गया एंड ऑल ओवर कुर्ता ना आपको प्रिंट मिलता है फ्रंट में एंड बैक साइड प्लेन है स्ट्रेट ये कुर्ता है स्लिटेड ये कुर्ता है एंड गाइस ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है बट इसमें क्या हुआ था ना कि मुझे मैंने ऑर्डर कुछ और किया था मुझे ये वाला कुर्ता रिसीव हुआ है अगर मुझे इसका लिंक ऑनलाइन मिल जाता है मिंत्रा से ही तो मैं आपको दे दूँगी बट मैंने ऑर्डर ब्लैक कलर का uh, किया था वी मार्ट से कुछ ऐसा था एंड मुझे रिसीव ये हुआ है एंड इसका अनबॉक्स का वीडियो जो है वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको मिल जाएगा तो लाइक लाइव अब मतलब लाइव नहीं बट हाँ रिकॉर्डिंग कर मैंने अनबॉक्स करते हुए रिकॉर्डिंग की थी तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मुझे मिला था बस फोल्ड करके ना पॉलीथिन थी, थी ना कुछ बस फोल्ड करके किसी ने भेज दिया है बस कि हाँ जाओ ले जाओ सो so, ऐसा पीस मुझे पहली बार मिंत्रा से रिसीव हुआ है सो आई वॉज लाइक कि अच्छा मिंत्रा पर भी अब ऐसा होने लगा है बट आई डोंट नो हो सकता है गलती से हो गया हो इस तरीके का ये पीस है एंड क्वालिटी एंड कलर सब कुछ बहुत अच्छा है बट मुझे इसका लिंक मिला तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपके साथ ऐसा कुछ मित्रा का एक्सपीरियंस रहा हो तो मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ता की तरफ जो कि ये रहा ये फ्लेयर्ड कुर्ता है अनार के लिए आप बोल सकते हैं इट्स फ्रॉम दी ब्रांड हेयर एंड नाउ मैंने स्मॉल साइज में लिया था कॉटन इसका भी फैब्रिक है गाइस समर्स आने वाले हैं सो so, अब कॉटन रेन यही सारे फैब्रिक्स अच्छे लगते हैं तो ये वाला पीस मैंने वही ध्यान में रखते हुए बाय किया है प्रिंटेड है नेक देखिए वी है एंड पूरा आपको पट्टी का वर्क मिलता है साइड में आपको डोरी भी मिलती है लुक के लिए एंड ये ए लाइन कुर्ता है फ्लेयर्स हैं इतने तो लाइक like, आप इजीली से वेयर कर सकते हैं वाइट कलर का बॉटम वेयर इसके साथ भी मैच हो रहा था तो मैंने वाइट ही पहना है शेयर ये नहीं है एंड इसका जो शेड है ना कलर वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है तो इस तरीके का ये पीस है आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो एंड स्मॉल साइज़ के अकॉर्डिंग फिटिंग अच्छी थी जब मैंने बाय किया था तो अंडर फाइव हंड्रेड मैंने सारे प्रोडक्ट्स बाय किए हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस अब चेंज हो गया हो क्योंकि सेल टाइम में मैंने बाय किया था सो so, अगर आपको पीस अच्छा लगे तो ले लीजिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे हैं मिंत्रा पे तो ये नॉर्मल प्राइसेज ही हैं एंड नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ब्लैक एंड वाइट में रेन फ़ैब्रिक पर ये है एंड ये ऑफिस वग़ैरह के लिए काफ़ी अच्छा है कॉलेज ऑफिस कैजुअल वेयर के लिए कह सकते हैं आप हेयर एंड नाव से आपको मिल जाएगा ये स्मॉल साइज़ में एंड रेयन इसका फैब्रिक है शेयर ये बिल्कुल भी नहीं है जो भी प्रिंट आप देख पा रहे हैं इस कुर्ता में वो कपड़े के साथ का ही प्रिंट है नेक पे आपको बटन मिलती है तीन ये मेन ट्रेन कॉलर है तो थोड़ा सा ऑफिस एंड फॉर्मल वाला लुक देता है बट घर पे जाओ तो भी आप आराम से पहन सकते हो इसमें थ्री फोर्थ स्लीव मिलती है एंड अंदर ना आपको इसमें इसे फोल्ड करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है कि अगर आप चाहो तो इसे फोल्ड करके हाफ स्लीव भी बना सकते हो मैंने ऐसे पूरा ओपन करके दिखाया है स्लिटेड ये कुर्ता है लॉन्ग कुर्ता है एंड इस पर भी आप वाइट या ब्लैक कोई भी बॉटम वेयर पहन सकते हो मैंने वाइट ही पहना था सब पे तो मैंने लगातार इसको भी वेयर करके दिखा दिया है कि हाँ ये वाला पीस भी अच्छा लग रहा था वाइट पे एंड शेयर uh, ये नहीं है फिटिंग स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग इसकी भी काफ़ी अच्छी है तो ये भी काफ़ी स्मार्ट पीस लग रहा था सारे ही पीसेज बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं सभी का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो so, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा एंड गाइज जो इस हॉल में मैं नेक्स्ट कुर्ता शेयर कर रही हूँ वो आप टू इन वन टाइप में यूज़ कर सकते हो एज़ आ ड्रेस भी वेयर कर सकते हो एज आ कुर्ता भी वेयर कर सकते हो एंड ये कॉटन फैब्रिक का है मैंने इसे विशुद्ध ब्रांड से लिया था स्मॉल साइज़ में मैं ड्रेन इसका कॉलर है एंड यहाँ पर आपको बटन्स मिलती हैं जिसमें काफ़ी सारी बटन्स हैं पूरा नीचे तक बटन मिलेगी वुडन बटन है बट ओपन फर्स्ट और सेकेंड वाली मतलब एक दो ही बटन ओपन होती हैं उतना मोर देन इनाफ है आपको वेयर करने के लिए एंड ये शेयर नहीं है हाफ़ इसमें स्लीव मिलती है क्योंकि सामज आ रहे हैं तो अब इस टाइप की स्लीवस बहुत अच्छी लगेगी एंड फोल्डेड स्लीव है उसमें आपको यहाँ पर बटन बटन मिलता है वुडन बटन एंड इस तरीके का ये फ्लर्ड कुर्ता ए लाइन कुर्ता आप कह सकते हो फ्रंट यहाँ पर स्लिट मिलता है एंड साइड इसमें स्लिट नहीं है और इसमें यहाँ पर ये डोरी भी है डोरी क्या है ये बेल्ट टाइप का लगा है जिसे आप टाई कर सकते हो तो क्यूट सा लगने वाला है पीछे भी प्रिंट है इसमें आगे भी प्रिंट है ये ब्लू के शेड्स हैं तो समर्स के लिए अच्छा होने वाला है और लाइक वाइट कलर का कोई भी बॉटम वेयर आप इसमें वेयर कर सकते हो अगर आप एज अ ड्रेस वेयर कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो इस तरीके का बिल्कुल ऑफिस क्योंकि मेनड्रेन कॉलर है सो मुझे लगता है कि ऑफिस या कॉलेज के लिए परफेक्ट रहेगा तो ये वाला भी पीस आप देख सकते हो नेक्स्ट वाला जो है वो अभी इससे पहले जो हॉल था ना मैंने जिसमें ये शेयर किया था वो ये भी शेयर किया था तो अगर कॉलेज वगैरह के लिए एक अच्छा इस तरीके से आपको टास्ल मिलते हैं रिओन पर है ये बहुत कंफर्टेबल है एंड इस तरीके का प्रिंट है आगे एंड पीछे व्हाइट कलर के बॉटम वेयर के साथ इसे भी डेफिनेटली आप वेयर कर सकते हो एंड ये स्लिटेड कुर्ता है तो ये बहुत अच्छा लग रहा था वेयर के बाद स्मार्ट सा पीस है कलर बहुत प्यारा है समर्स में इस टाइप के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड ये बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है तो अगर आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग कुर्ता नहीं पहनना है या आपकी हाइट कम है आपको कुर्ता कटवाना पड़ता है तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा इसमें है ना अच्छा है और अगर आपकी हाइट अच्छी भली है तो आप इसे जीन्स पर पहन सकते हो तो शॉर्ट कुर्ता एंड जीन्स बहुत अच्छे लगते हैं नेक्स्ट वाला पीस जो है वो इस तरीके का ब्लू कलर का है आई थिंक इसमें दो तीन कलर और अवेलेबल है इट्स फ्रॉम दी ब्रांड विशुद्ध मैंने इसे भी स्मॉल साइज में लिया है कॉटन ब्लेंड इसका फैब्रिक है नेक पे आपको ये जो डिज़ाइन दिख रही है ना ये पूरी प्रिंट है मतलब ऊपर से जो प्रिंट होता है फॉइल प्रिंट जैसे बोलते हैं वो है बटन लगे हुए हैं वाइट कलर से जिसमें ब्लू कलर के थ्रेड से इसको स्टिच किया गया है थ्री पोथ इसमें स्लीव है शेयर तो ये नहीं है इसमें भी पूरा प्रिंट हुआ है जो कि कपड़े के साथ का प्रिंट है एंड पीछे भी प्रिंट है आगे भी प्रिंट है एंड ये स्लिटेड कुर्ता है सो so, व्हाइट कलर क्योंकि सब में व्हाइट ही जा रहा है तो so, सब में मतलब आई मीन वाइट कलर का कोई भी बॉटम वेयर इवन जीन्स वगैरह पर भी आप इसे ईजिली वेयर कर सकते हो सो लाइक काफ़ी अच्छा लगने वाला है एंड एंड एट लास्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैंने लिबास से लिया था स्मॉल साइज़ में कॉटन ब्लेंड इसका फैब्रिक है ये बिल्कुल प्लेन है और ऐसे सॉलिड कलर्स के जो कुर्ता होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं तो इस वजह से मैंने इसे बाय किया है इसमें नेक पे आपको ये टैसल्स मिलते हैं एंड पूरा यहाँ स्लिटेड है ये पूरा नीचे इस तरीके से मतलब आपको बहुत नीचे जा करके इसका स्लिट मिलता है और इसमें पॉकेट दी गई है आपको तो अगर कुछ रखना चाहो तो रख भी सकते हो पीछे से भी प्लेन है आगे भी प्लेन है काफ़ी लॉन्ग सा है ब्लैक कलर का इसमें कोई बॉटम वेयर वाइट कलर का बॉटम वेयर भी आप इसके साथ मैच कर सकते हो इवन रेड कलर का बॉटम वेयर मैच करके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में वाइट या समथिंग का दोपट्टा तो भी इस पर मैच कर सकते हो अच्छा लगने वाला है थ्री फोर्थ स्लीव है इसमें सो कॉटन ब्लेंड इसका फैब्रिक है ठीक प्रोडक्ट है ये भी आई थिंक इसके भी और कलर ऑप्शन अवेलेबल थे तो वो भी आप चेक कर सकते हो लिंक सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है अनबॉक्सिंग के वीडियोस रील्स वगैरह आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा सो मेक श्योर आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लें एंड अगर आप ममा अर्थ से कुछ भी बाय करते हैं सो so आप मेरा कूपन कोड विच इज़ ट्रेंड्स ट्वेंटी यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल जाएगा उनकी वेबसाइट या उनकी ऐप पर अगर आप बाय करते हैं तो तो अगर वीडियो पसंद आया हो ये ह्यूज अफोर्डेबल सा कलेक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड गाइस मुझे कमेंट ज़रूर कर दिया करिए भर भर के तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है सो so गाइज आज के इस ह्यूज हॉल में बस इतना ही आई रियली होप आपको ये पूरा कलेक्शन पसंद आया होगा ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे अफोर्डेबल एंड ब्यूटिफुल से कलेक्शन के साथ तब तक के लिए बाई